तो मैं को ही आजकल मीडिया डिबेट के नाम पर परोसा जाता है, जिसमें अक्सर बीजेपी नेता अपनी ऊंची आवाज़ से विपक्ष को चुप करवा देते हैं और एंकर भी भाजपा नेताओं के पक्ष में ही खड़े दिखाई देते हैं। पर आज की वीडियो में बात उन डिबेट की करते हैं जिनमें विपक्ष के नेताओं ने बीजेपी के नेताओं को करारा जवाब दिया हो। न्यूज़ 18 पर हिंदू के मुद्दे पर डिबेट में शोएब जमाई और सुधांशु त्रिवेदी के बीच गोडसे को लेकर छिड़ी बहस में शोएब जमाई ने सुधांशु को गोडसे के बारे में कुछ बोलने को कहा, जिस पर वह बात को गोल कर गए तो शोएब जमाई ने उन्हें सवालों में घेर लिया। शिवसेना इनके फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशीब के सदस्य है, वो है नया हिंदू। और सुनिए, जो बदरुद्दीन अजमल की नहीं, न्यू हिंदू है, हमने नए हिंदू की परिभाषा दी, गजब का नया हिंदू है, पहले से ज्यादा हिंदू है। जो सुनिए, जो भारत तेरे टुकड़े होंगे वालों के साथ खड़ा हुआ है, जो ये कहता जो जाकिर नायक शांति का मसीहा है, हाफिज साहब है, ओसामा जी है, बुरहान वानी भटका जवान है, इसके साथ खड़ा हुआ भगवाधारी है, वो नया हिंदू है, हम सबको पता है। अरे जनाब, आप बात करने की बात करते हैं, शांति के मसीहा हैं ये बताइए, नहीं है ना? क्या आतंकवादी हैं? अच्छा ये बताइए आप साफ, मैं कहता हूँ हाफिज सईद आतंकवादी, ठीक है? मैं कहता हूँ, तो आप कहिए ना, हाफिज को साहब किसने बोला? हमने, मैंने कहा हाफिज सईद आतंकवादी, तो पहले कहिए कि गोडसे आतंकवादी, आप ये बोलिए, आप पहले बोलिए हाफिज को साहब बोलने वाला आतंकवाद का समर्थक, 1-1, एक को आतंकवादी मैं बोलूंगा, एक को आप, हाँ बिल्कुल, आप बताइए, बोलिए गोडसे का आतंकवादी। अब मैं आपको बात बताता हूँ, अरे सुनिए ना, आप किस बात के लिए आतंकवादी? इंडिया टीवी पर डिबेट में कांग्रेस के प्रवक्ता ने चीन के मुद्दे पर बीजेपी प्रवक्ता को घेरना शुरू किया, जिस पर वो विपक्ष पर ही उंगली उठाने लगे, तो कांग्रेस के प्रवक्ता ने इसका करारा जवाब भी दिया। एक सवाल सिंपल है, जब LAC पे इंट्रूजन हुई चाइना द्वारा, मोदी साहब ने ऑल इंडिया पॉलिटिकल पार्टीज मीट में कहा कि कोई इंट्रूजन नहीं हुई। उनसे दो दिन पहले जयशंकर साहब ने, फॉरेन मिनिस्टर जो है हमारे, उन्होंने कहा इंट्रूजन हो चुकी है, तो मोदी साहब ने झूठ क्यों बोला? देखिए, भारत की सीमा में चाइना का इंट्रूजन 1962 में निश्चित तौर पर हुआ, 38,000 वर्ग किलोमीटर भूमि कांग्रेस के शासनकाल में चली। सुनिए ना, मेरा पूरा उत्तर, मोदी जी के कार्यकाल में भारत की एक इंच भूमि भी चीन के कब्जे में नहीं गई है, भारत की एक इंच भूमि भी चीन के कब्जे में नहीं गई है। ये मोदी साहब ने कहा, चीन क्यों रो भाई, चीन जयशंकर साहब ने चीन से आपका एग्रीमेंट है भारत के विरुद्ध, झूठ क्यों बोला? कांग्रेस पार्टी का चीन के साथ एग्रीमेंट है, गोगरा वाक्सिंग नहीं हुआ, गोगरा वाक्सिंग नहीं हुआ, डेप्सांग नहीं हुआ, वहाँ पे गोगरा वाक्सिंग नहीं हुआ। आज तक पर चुनाव के मुद्दे पर हुई डिबेट में एंकर ने सवाल बीजेपी प्रवक्ता से किया तो वह राज्यों को पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करने के लिए कहने लगे, जिस पर अपने जवाब में अनुराग भदौरिया ने संबित पात्रा की क्लास ही लगा दी। कि डीजल पेट्रोल की कीमत तो सरकार के पास कम करने को नहीं है, तो पहले 2014 में क्यों सिलेंडर और पेट्रोल के लिए हंगामा काटते थे कि सरकार कम क्यों नहीं कर रही है, तब भी तो सरकार के पास नहीं था। आप लगातार 1.5 साल से डीजल पेट्रोल की कीमत बढ़ा रहे थे, एक दिन थोड़ा सा कम कर दिया, मतलब समुद्र से एक लोटा पानी निकालने की बात कर रहे हो। जो महंगाई आपने बढ़ाई है देश के अंदर में, आलू प्याज टमाटर तक महंगा है, सरसों का तेल 250 रुपए है, बेचारा गरीब व्यक्ति दिया नहीं जला पाया दीपावली में अपने घर में, आपको क्या फर्क पड़ता है? आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, सरकार है बल्ले बल्ले है, चाहे दिए पे दिया जलाओ, बेचारा गरीब आदमी के बारे में सोचा आपने? वो सरसों का तेल कैसे दिया जलाएगा, वो दिवाली कैसे मनाएगा? क्या उसको दिवाली मनाने का हक नहीं था? आपने वो भी हक छीन लिया। यहाँ पे लगातार परेशानियों से लोग, आप कोरोना की बात कर रहे हैं, कोरोना में यहाँ पे बिना ऑक्सीजन के लोग तड़प तड़प के मर गए लाखों लोग, और संसद में खड़े होकर आपके लोग क्या कहते हैं मंत्री? एक व्यक्ति की भी मौत नहीं हुई, अभी नहीं आएगा समझ में, अभी केस स्टडी आपकी गड़बड़ है, थोड़ा ठीक कर लीजिए। जी न्यूज पर अमित शाह के बयान पर डिबेट हुई। इस डिबेट में एंकर ने गृह मंत्री के बयान पर तौसीफ अहमद खान से जवाब देने को कहा, जिस पर उन्होंने आलोचना करनी शुरू की तो एंकर ने बीच में टोका, जिसके बाद एक तीखी बहस देखने को मिली। नियत पे सवाल पूछा वो मैं जवाब लूंगी, लेकिन मैं आपसे एक सवाल जानना चाह रही हूँ। जब आप नमाज पढ़ते हैं तो आप सड़क पर बैठकर ज्यादा अच्छा महसूस करते हैं, और आपका आपको लगता है कि जो एक स्पिरिचुअल कनेक्ट है आपका, वो सड़क पर ज्यादा बेहतर है, या जब आप एक प्राइवेट स्पेस में उस नमाज को पढ़ रहे हैं? अदिति जी आपको शर्म आना चाहिए कि इस तरह का बात को आप हल्के में कह रहे हैं। जब कोई नमाज पढ़ता है, मैं शर्म आपको आनी चाहिए, क्योंकि इस बात को मैं बिल्कुल हल्के में नहीं कह रही हूँ, बहुत गंभीरता से कह रही हूँ। आप बात बहुत गंभीरता से सवाल पूछ रही हैं। आप जो है, आपको खुदा हल्के में बात कर रहे हैं, हल्के में बात कर रहे हैं, मुझसे हल्के में आप बात करते होंगे, हल्के में आप बात करते होंगे, मुझे धमकाइए नहीं टीवी पर।
टीवी पर बैठकर जो धमकाइए या नहीं, सवाल पूछ रही हूँ मैं, इस देश का सिटीजन होने के नाते मुझे जानने का हक है, क्यों हक नहीं है मुझे, मुझे ये हक क्यों नहीं है, मुझे ये हक क्यों नहीं है? आप इतने उत्तेजित हो गए एक सवाल भर से, उत्तेजित हो गए इतने सवाल भर से, आप ये बता रहे। आपको ये वीडियो कैसे लगी आप कमेंट कर हमें बता सकते हैं, और ऐसी और वीडियोस देखने के लिए बने रहें पंजाब टुडे के साथ। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज प्लीज क्लिक द बेल आइकन।